प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर को समीक्षा बैठक बुलाई है, वही कैबिनेट मंत्रियों से अपने अपने मंत्रालय पर प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक कमजोर प्रदर्शन वाले मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में मोदी संबंधित मंत्रालयों के चल रहे प्रोजेक्टों पर चर्चा कर सकते हैं। फेरबदल होने पर मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने 6 माह बीत जाने के बाद भी कोई फेरबदल नहीं किया है। पिछले कार्यकाल में मई 2014 में उनके पद संभालने के बाद 3 बार फेरबदल किया गया। पहला फेरबदल 9 नवंबर 2014 को, दूसरा 5 जुलाई 2016 को और तीसरा फेरबदल 3 सितंबर 2017 को किया गया। पिछले सरकार में 6 महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2014 को मंत्रिमंडल में बदलाव किया था। संविधान संशोधन के अनुसार किसी भी सरकार में मंत्रियों की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या, जो कि 545 है, के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। और ये मान सकते हैं अंबिका जी कि अपने आक्रामक फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय जरूर हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था, महंगाई और रोजगार, ये ऐसे अहम मुद्दे हैं देश के जिस पर की नजर फेरना और काम करना जरूरी है। 6 महीने, 30 मई को उन्होंने शपथ ग्रहण दोबारा कर लिया, लेकिन अभी तक 6 महीने हो गए, मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। कई ऐसे मोर्चे हैं जिसपे और मजबूती से काम करने की जरूरत है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अंबिका जी, देखिए, प्रधानमंत्री का एक सिद्धांत रहा है और जिस पर काम किया उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी और वर्तमान कार्यकाल में भी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसका जो एक अंतर्निहित कहेंगे कारक है वो ये है कि परफॉर्मेंस को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। जो लोग परफॉर्म करेंगे वो बने रहेंगे मंत्रिमंडल में, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर जाना होगा। कुछ नए लोगों को शामिल किया जाएगा, लेकिन क्राइटेरियन वो इररिवर्सिबल बना रहेगा, अभिप्रायात्मक बना रहेगा कि परफॉर्मेंस को ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन ये परफॉर्मेंस अंततः एक सवाल उठता है कि परिलक्षित किस रूप में हो। बिल्कुल, जब गुड गवर्नेंस की बात होती है, सुशासन की बात होती है, तो उसका एक प्राइम पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जो कार्य दायित्व जिस मंत्री को सौंपा गया है, जिस सांसद को सौंपा गया है, उसमें वो कार्य पूरा हो रहा है या नहीं पूरा हो रहा है, उसकी जवाबदेही उसके प्रति है। एक महत्वपूर्ण बात, इसका एक कैच पॉइंट है कि ये जवाबदेही केवल संख्याओं में नहीं है, एक नैतिक जवाबदेही का भी सवाल है, क्योंकि अब समय है और शायद प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं, वो इस पर काम भी कर रहे हैं कि एक जो पब्लिक मॉरलिटी का संबंध है, एक जो कहेंगे लोक नैतिकता का सिद्धांत है, उसको केंद्र में रखकर आगे बढ़ना होगा। और यदि ऐसा किया जाता है तो सुशासन का दूसरा बिंदु होगा पारदर्शिता, निष्पक्ष तौर पर एक पारदर्शी तरीके से शासन और प्रशासन को चलाना होगा, मंत्रालय को चलाना होगा, उस कार्य दायित्व का निर्वहन करना होगा। जहां तक सवाल अर्थव्यवस्था का है, मैं इस बात को बार बार रखता हूं कि अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति है भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसको देखना पड़ेगा कि यूपीए का जो परफॉर्मेंस था उसके सापेक्ष किस तरह अर्थव्यवस्था की स्थिति है। क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस आक्रमकता के साथ, और ये नहीं बल्कि कहीं कहीं उसकी एक अतिशयता है कथनोक्ति में, विशेष रूप से राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं, यही नहीं केवल राहुल गांधी नहीं है, अर्थशास्त्रियों की भी एक बड़ी बिरादरी है जिनमें अरविंद सुब्रमण्यम भी है, कहें कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था तो आईसीयू की तरफ बढ़ रही है। सुब्रमण्यम भी हार्वर्ड स्कूल के हैं, ये दुर्भाग्य है राष्ट्र का। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हार्वर्ड स्कूल के पढ़े लिखे अर्थशास्त्री पहले सरकार में रहते हैं,
सरकारी नीतियों को बनाते हैं, लागू कराते हैं, और जब सरकार से बाहर होते हैं तो सरकार की आलोचना करना शुरू करते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था की जो यथार्थताएं हैं, जो जमीनी हकीकत है, उससे पूर्णतया कटे हुए होते हैं, वो पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं। अब जैसे मैं एक तुलनात्मक स्थिति आपके सामने पेश करना चाहूंगा, महंगाई को लेकर इतनी ह्यू एंड क्राई मची हुई है, चिल्लपो मची हुई है, लेकिन 2009 से 14 के दौरान महंगाई दर जब यूपीए सरकार थी 10.3% थी, और 2014 से 19 के दौरान इसका औसत 4.5% रहा है। हालांकि वो नवंबर माह में 5.5% को पा चुकी है, और यही बड़ा और दूसरा एक बिंदु है जो अर्थव्यवस्था के संतुलन को दिखाता है, मूलाधार को दिखाता है, उसकी ताकत को दिखाता है, वह है राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात। ये 2009 से 14 के दौरान अगर देखें तो 5.4% था, और 2014 और 19 के दौरान यह 3.4% पर है। एक पॉइंट और रख दूं मैं फौरी तौर पर, जहां तक करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी रेशियो का संबंध है, यह भी एक मूलाधार होता है जो बाहरी अर्थव्यवस्था की ताकत को दिखाता है। यह 2009-14 के दौरान 3.3% था, जो 2014-19 के दौरान 1.4% है। तो अर्थव्यवस्था के जो मूलाधार है वो मजबूत बने हुए हैं, इसलिए कोई इतनी भयाक्रांत हो जाने की स्थिति नहीं है कि अर्थव्यवस्था आईसीयू में जा रही है, ये अर्थव्यवस्था मृतप्राय हो रही है। अर्थव्यवस्था में कुछ जो गुणात्मक परिवर्तन भी हुए हैं उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। जैसे रोजगार का मसला ले लें, 8.5% बेरोजगारी दर कही जाती है अनुमानों में, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि रोजगार में जो एक इनफॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो एक असंगठित क्षेत्र की तरफ रोजगार बढ़ रहा है, स्वरोजगार बढ़ रहा है, जो आंकड़ों में कैच हो ही नहीं पा रहा, कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं सरकारी आंकड़े, इस तरह रोजगार की जो बढ़त हुई है वो अधिकांशतः कह सकते हैं स्वरोजगार के क्षेत्र में हुई है। एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है जब मजदूरी रोजगार से स्वरोजगार की तरफ फोकस जा रहा है। एक सेकेंड, मुझे एक बात नहीं समझ में आती अंबिका जी, कि यहाँ पर यूपीए सरकार से क्यों तुलना की जाती है। बात हम आज प्रेजेंट सिचुएशन की कर रहे हैं, बात आज हम आज की जनता के लिए कर रहे हैं। अगर महंगाई से आज की जनता प्राणायाम है या महंगाई से किसी की जान जा रही है, तो क्या हम ये देखें कि आज महंगाई से 100 लोगों की जान गई है तो यूपीए सरकार में 150 लोगों की जान गई थी? तो वो नहीं सही थी सरकार, इसीलिए एनडीए को लेके आया गया, इसलिए बीजेपी को लाया गया। लेकिन आपके सरकार में भी क्या हो रहा है? अगर आप ये तुलना कर रहे हैं कि यूपीए सरकार में जीडीपी 10% के था, या वहां पर महंगाई जो है वो इस रेट से बढ़ रही थी, तो यहां भी तो महंगाई उसी रेट से बढ़ रही है ना, ये भी तो है ना। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं जैसे आपने कहा कि नैतिकता, लोक नैतिकता की दृष्टि से दो चीजें आती हैं, एक तो जवाबदेही, दूसरा पारदर्शिता। तो आपको लग रहा है क्या कि एनडीए सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, वो जवाबदेही उनकी बन रही है? वो क्या जवाब दे रहे हैं? अगर जवाब ये दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण को तो बिल्कुल जवाब भी नहीं देना चाहिए संसद में खड़े होकर कि मैं तो प्याज खाती नहीं हूं, मेरे घर वाले प्याज तो यूज ही नहीं करते हैं। तो मतलब मेरा घर नहीं प्याज यूज करता है, तो प्याज चाहे 500 किलो पहुंच जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर जवाबदेही सरकार की ये बनती है लोक नैतिकता के आधार पर, तो ऐसी ही गवर्नमेंट का फिर मुझे लगता है कि नहीं कोई फायदा है। फिर ऐसे तो हम एनपीए पे जाएं, यूपीए पे जाएं, फिर हम 1947 का कंपैरिजन करें कि 1947 में क्या महंगाई का दर रेट था और 2019 में क्या है। तो हम अगर इसी आधार पर बढ़ रहे हैं कि पिछले सरकार पे क्या था और इस सरकार में क्या है, तो हम इसके आधार पर तो नहीं बढ़ सकते ना। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 5,000 ट्रिलियन इकॉनमी हमारी होनी चाहिए, हम अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर होना चाहिए, तो हम यूपीए से नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं सर, हम डेवलप्ड कंट्रीज से कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारा कंपैरिजन उनसे हो तब हम बताएं अपने आंकड़े, तो मुझे लगता है ज्यादा सही होगा। अंबिका जी, देखिए जिस बात को आप उठा रही हैं वो मैंने जो तुलना की है वो एक अर्थशास्त्र का एक विश्लेषण का तौर तरीका होता है कि अगर दो पॉइंट्स ऑफ टाइम पर तुलनाएं की जाती हैं तो उससे ये पता चलता है
कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, एक महत्वपूर्ण बात। हाँ। दूसरे ये कि जैसे महंगाई की बात हो रही है तो वही बात तो मैं रख रहा हूँ। हाँ। कि महंगाई दर नरम रही है। हाँ। और जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक का सवाल है, उसने 4% का टारगेट रखा था और 5 बार रेपो दर में कमी की। हाँ। जिससे लिक्विडिटी बढ़े। हाँ। ग्रोथ रेट बढ़े। हाँ। लेकिन आरबीआई तो अब तो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। हाँ। बहुत नफे तुले कदम उठा रहा है। कारण उसका यह है कि अगर रेपो दर फिर घटाया होता आरबीआई ने, लेकिन अब तो रेपो रेट मेंटेन कर दिया ना आरबीआई, ना घटा रही ना बढ़ा रही है। नहीं, जो हाँ। जो रेपो दर क्यों घटाया जा रहा हाँ। था, इसीलिए कि ग्रोथ पस्त पड़ी थी। हाँ। ग्रोथ में शिथिलता थी। हाँ। उसको उत्प्रेरित करने के लिए। हाँ। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने यह समझा कि अगर रेपो दर को घटाया जाता है, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ती है, तो इससे महंगाई की समस्या उग्र होगी। उसने एक जवाबदेही के ही सिद्धांत पर मौद्रिक नीति को अख्तियार किया। अब देखना यह होगा, जिस पॉइंट को आप रख रही हैं, देखना यह होगा कि ग्रोथ को बढ़ाने में और महंगाई को रोकने में राजकोषीय नीति अर्थात बजट नीति कहां तक कामयाब होती है। और ये देखना, ये रुकना पड़ेगा, इसके लिए हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब बजट आएगा, 2020-21 का बजट आएगा, उसमें किस प्रकार की राजकोषीय नीति कहेंगे ढाली जाती हाँ, है हाँ। क्योंकि आरबीआई की मौद्रिक नीति तो अपने प्रभावशीलता में है या ये कहीं को प्रभावी दिख रही है, लेकिन राजकोषीय नीति कितनी ताकतवर होगी, कितनी प्रभावशाली होगी। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में कमी हाँ। की गई है हाँ। लेकिन निजी व्यक्तिक आयकर की हाँ। दरों में कमी हो, जिसको कहा जा रहा है कि न्यू डायरेक्ट कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाए, ये देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में विशेष रूप में जो सूक्ष्म, मझोले और लघु उद्योग क्षेत्रों का मामला है, उसमें किस प्रकार क्रेडिट को और ज्यादा बढ़ाया जाता है या और ज्यादा अधिक कर रियायत दी जाती है उस सेक्टर को, जिससे वो आगे बढ़े। मुझे ये लगता है कि एमएसएमई में तो कर रियायत दी गई है, मुझे लगता है अंबिका जी, और उसको और बढ़ाने की जरूरत है। हाँ। कारण उसका ये है कि जब तक इस लघु उद्योग क्षेत्र का विकास नहीं होता, तब तक रोजगार में बड़े पैमाने पर वृद्धि की उम्मीद नहीं की जा सकती। और एक रिएक्शन तेज बहादुर जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि मंत्रिमंडल, उन कमजोर मंत्रिमंडल पर, मंत्रियों पर, क्योंकि समीक्षा की जाएगी, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उसके बाद से मोदी जी ये किन किन मंत्रियों को, कमजोर मंत्रियों पर शिकंजा कर सकते हैं, किसकी एंट्री हो सकती है और कौन एग्जिट हो सकता है आपके अनुसार? देखिए, अगर समीक्षा कर रहे हैं तो बट नेचुरल है कि छः महीने सरकार को हो गया, 6 महीने परफॉर्मेंस लगभग आ गई उनके पास। अगर समीक्षा करने के बाद उनको नहीं हटाएंगे, उनके दिमाग में है कि हाँ उनको हटाना है, तो नहीं हटाएंगे तो फिर वही स्थिति होगी, क्योंकि उनको आगे चल के बहुत बड़े काम करने हैं। जिस तरीके 6 महीने में बड़े इंपॉर्टेंट काम करके उन्होंने देश की जनता को दिखाया है, उसी तरीके कुछ मंत्री हैं, दागी मंत्री हों या उनकी शिकायतें हों या परफॉर्मेंस उनकी गलत आ रही हो या सही नहीं आ रही होगी, तो बट नेचुरल है कि उनको चेंज करेंगे। अब इसमें कौन कौन से मंत्री आएंगे, अब ये अभी तो इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो मंत्रिमंडल की बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर कोई भी मंत्रालय अगर सही काम नहीं कर रहा है, देखिए पिछले साल के कार्यकाल में जिस तरीके से मोदी जी ने ब्यूरोक्रेसी को कसा था, ब्यूरोक्रेसी को ढेरे लाया था, उसी तरह अपने मंत्रियों को भी जो है इस बार उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी हो चाहे देश की ब्यूरोक्रेसी हो, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ही देश चलाती है। और ब्यूरोक्रेसी पे अगर नकेल कस दिया उन्होंने, आज देखिए कि दिल्ली में हालत क्या है, सचिवालय, दिल्ली केंद्रीय सचिवालय में जो ब्यूरोक्रेट अपनी टेबल पर सारी फाइलें छोड़ करके 5 बजे क्लब में दिखाई पड़ते थे, आज वो रात में देखिए 7-8 बजे 9 बजे तक अपने टेबल को साफ कर, क्लीन करके तब जाते हैं। तो उनकी गवर्नेंस की जो बात अभी कर रहे थे अंबिका जी, गवर्नेंस बहुत अच्छी चीज है और गवर्नेंस जो है सरकार में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और उसका असर देश के राज्यों पर भी पड़ रहा है, चाहे कोई भी राज्य ले लिए उस पर असर पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि अगर ये काम कर रहे हैं अपने मंत्रियों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, देश हित में। और मुझे ये लगता है कि अंबिका जी, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट, जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी कि अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और साथ ही महंगाई, इन 3 डिपार्टमेंट्स में आपको कौन सा लगता है कि अभी 6 महीने हो गए और मोदी के मंत्रिमंडल में इन 3 डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वीक डिपार्टमेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए इस बार? देखिए, मेरे आकलन में
तो ये जो तीन विभाग की बात आपने उठाई है, हाँ तीनों अलग अलग नहीं, एक हाँ समाकलित एक ही रूप, सम एक हाँ समाकलित रूप में हाँ देखें, हाँ क्योंकि जितने आर्थिक एक पूरे कहेंगे ऐतिहासिक प्रवृत्ति रही है हाँ भारत हाँ में, कि जो भारत के आर्थिक मंत्रालय हैं विभिन्न, उनमें भी आपस में तारतम्य की कमी रही है। बिल्कुल लेकिन अगर हम पिछले 6 सालों को देखें मोटे तौर पर, तो इनमें एक तादात्म्य की स्थिति है, उनमें एक अधिक समंजन दृष्टिगोचर होता है। तो इस तरह एक कहेंगे ऑप्टिमल पॉलिसी मिक्स को कहेंगे फॉर्मुलेट करने में मोदी सरकार लगी हुई है। अब यह कि वो एक अगर ऑप्टिमल सिचुएशन नहीं भी है, तो सब ऑप्टिमल सिचुएशन को ही हासिल किया है। और यही वजह है कि जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बाकी सभी पक्ष आ जाते हैं, हाँ व्यापार भी है, बेरोजगारी है, रोजगार है, और महंगाई दर है, या महंगाई को नियंत्रित करने की बात है। लेकिन ये देखना पड़ेगा, मैं अगर कि आगे बजट में क्या अपेक्षा क्या है, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं। और इस बजट 2020-21 में भी मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि और कृषि से इतर जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियाएं हैं, खाद्य प्रसंस्करण कहेंगे, कृषि प्रसंस्करण उद्योग हैं, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, बड़े पैमाने पर गांव में जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज हैं और फॉर्म एक्टिविटीज हैं, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, उनके जो डेवलपमेंट लिंकेजेस हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि यह एक अपॉर्चून टाइम होगा वित्त मंत्री के लिए कि बजट 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्र के विकास को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि जब तक गांव की आय नहीं बढ़ती, तब जब तक तक इकोनॉमिक किसानों की कंस्ट्रक्शन आय नहीं नहीं सही हो सकता। बढ़ती, तब हाँ तक समूची अर्थव्यवस्था को कहेंगे टिकाऊ आधार पर विकसित करने का जो सपना है वो साकार नहीं होगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि टीबी जी इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए निर्मला सीतारमण को, कि आज भी हमारी जीडीपी जो है वो 70% कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, किसानों पर डिपेंड है। जब तक उनको मजबूती नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तब तक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कमजोर होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही कहा, देश के किसान ही सबसे कमजोर माने जाते हैं, और देश के किसानों को कमजोर करने के लिए कुछ सरकारों ने बहुत ही उनको छला है। लेकिन होता क्या है, जब राजनीति की बात आती है तो उन्हीं किसानों के सामने जा जा करके, यही सांसद यही विधायक जा करके रोना रोते हैं और वोट की मांग करते हैं। तो इस समय मौका अच्छा है सरकार को किसानों को मजबूत करने का, किसानों की फसलों का सही उचित दाम देने का है। तो अगर किसानों को मजबूत कर देंगे तो उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था अगर कमजोर हो रही, चरमरा रही है, तो देश हित में अगर विपक्ष जो है सवाल करता है तो, और सरकार को कटघरे में खड़ता है, तो ये उनका अधिकार है और सरकार को करना चाहिए। अगर हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है, सरकार को चिंतित होना चाहिए कि आखिर ये कहाँ से कमजोरी आ रही, किस लूपहोल से ये हम नीचे जा रहे हैं। तो ये सब चिंता के विषय तो ही है। ठीक है, हमारे साथ डिस्कशन में जुड़ने के लिए दोनों पैनलिस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 21 तारीख को समीक्षा बैठक होनी है, साथ ही प्रेजेंटेशन उसमें दिखाई जाएगी, अपने अपने मंत्री जो हैं अपने अपने डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उसके बाद समीक्षा होगी, उसके बाद से ये देखना होगा कि किन मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है और कौन उससे बाहर होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया।